शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पहले दबंग ने बाइक से एक ग्रामीण की बाइक में टक्कर मार दी और फिर इलाज के बहाने दबंग ग्रामीण को अपने घर ले गया और उसके बाद दबंग ने ग्रामीण की पीट पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिजनों ने शव रखकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायकों ने पुलिस से वार्ता करके परिजनों को 302 के तहत मामला दर्ज करवाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। अच्छा, जब एक्सीडेंट हो उसके बाद जो जिसने टक्कर मारी उसने आप लोगों को पीटा भी था? हाँ, आपको पीटा, आपके पति को पीटा था? हाँ। किसने पीटा आपको? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा सतरूपा। आपके पति का नाम क्या है? मैं सिंगर हूं। कहाँ रहते हैं आप? ससुराल कहाँ है आपकी? पुनिया जमालपुर। इधर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम मिश्रिया कुचियान आते रहे, हम यहीं से आते हैं। मेरी ननसार। अपनी ननसार कहीं थी? अच्छा, मिश्रीपुर में। हाँ, मिनी गोल से चैन आते रहे। चैन आपके पास? अच्छा, वहाँ से कहाँ जा रही थी? अपने घर है पुनिया जमालपुर। पुनिया जमालपुर थाना। क्या पूरा मामला है उसमें क्या है? निगोही थाने में कल एक्सीडेंट हुआ था, आज उन लोगों को जयपति उसी धाराओं में भी नहीं पंजीकृत कराया गया था, तो डेड बॉडी लेकर के आए थे और इस संबंध में से वार्ता हो गई है, उसी धाराओं में अभियोग तरमीम कराया जाएगा और अभी पूरी गिरफ्तारी कराएंगे। आप ये हमारे यहाँ गढ़ा गांव है, गढ़ा गांव में मोटरसाइकिल जो मृतक है इनकी मोटरसाइकिल लग गई, इनकी पत्नी साथ में थी, लेकिन गांव वालों ने उत्तेजित होकर पीट पीट के मार दिया। मेरी पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई, मुकदमा 304 लिखा गया लेकिन अब 302 में तरमीम होगा और उनकी निश्चित तौर पर अत्यधिक गिरफ्तारी होगी। कड़ी कड़ी जो भी कार्रवाई होगी उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिजन जैसा कि लूट का भी आरोप लगा रहा है, क्या लूट भी हुई थी उसमें? हो भी सकता है, बताया गया कि माल जेवर गया, माल जेवर अगर ऐसा है उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। मेरी बात हो चुकी, एसपी साहब से भी बात हो गई, उनका जेवर गया है तो उनकी निश्चित तौर पर वो भी कार्रवाई।